लिटरली गाइस आई कैन नॉट बिलीव आपका डी भाई जो है वर्ल्ड का सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज पे बाइक चला रहा है मैन। अभी जो ना गाइस 2:18 हो चुके हैं और मतलब कि आज का व्लॉग इतना लेट करके शुरू कर रहे हैं ना, पर क्या ही बताए। एंड ऑल्सो लास्ट व्लॉग में मम्मी लोग घर जा रहे थे ना, तो मम्मी लोग का सुबह फोन आ गया था, सुबह सुबह उन लोग 3 बजे तरफ में घर पहुंच गए। एंड आज का सीन क्या है गाइस, आज हम लोग मतलब कि फाइनली जो हम लोगों ने प्लान किया था ना मुस्तांग के लिए, तो आज हम लोग मुस्तांग के लिए निकल रहे हैं। एंड ऑल्सो लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कहा था कि मामा से हम लोग मतलब एग्जाम लेंगे, हमारा इंटर सीखा कि नहीं, क्या कहते हैं इंटर सीखा कि नहीं, सीखे बोलिए बोलिए क्या मामा ने फिर से पोपट कर दिया, बोलिए बोलिए क्या था शुरू में, शुरू का बोल गया। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आगे तुम चुप बैठा, ये बच्चे लोग बहुत बहुत बोलते हैं, ये बच्चे लोग बहुत बोलते हैं। आज का हम लोग का प्लान किया गया, हम लोग जा रहे हैं मामी के भाई के घर पे जो कि कुसमा में है, तो आज हम लोग कुसमा में स्टे करेंगे। एंड कल जो है ना मेन हम लोग मुस्तांग जमसम के लिए निकलेंगे। एंड आज का मेन सीन क्या है कि हम लोग 2 बाइक लेके जाने वाले, पर एक बाइक जो है ना वो कुसमा में है, तो हम लोग कुसमा में जाकर वो दूसरा बाइक पिक करेंगे। तो पहला सीन क्या है गाइस, पहले तो हम लोग अपना जितना भी लगेज वगैरह है ना, तो मैं अपना बाइक लेके जाऊंगा और जितना भी लगेज वगैरह है वो हम लोग कार में डाल के लेके जाएंगे मामा जी का कार पे, वही 22 लाख का कार पे तो 22 लाख का कार भी हम लोग मतलब सामान वामान डाल के लेके जाएंगे। एंड वो जो कार को है ना हम लोग कुसमा में रख देंगे, जो कि हम लोग मुस्तांग 3 लोग जा रहे हैं, मामा मैं और मामी का भाई, तो उनसे भी हम लोग कुसमा जाके आपको मिलाते हैं। मैन एंड ऑल्सो गाइस लास्ट व्लॉग में जो है ना मैं 2 लोगों को मिस कर दिया, तो ये मेरे नाना जी है, नमस्ते नमस्ते, एंड ये मम्मी की नानी है, ये नमस्ते। नानी जो है ना पहले असम में रहती थी, तो सब आसामीस जानती है थोड़ा थोड़ा, कुछ बोल दीजिए आसामीस में। वाले ऐसे ना नहीं, सब वाले ऐसे, सब वाले ऐसे मैन, सब वाले ऐसे। यहां पे गाइस मामी जो है सेल रोटी बना रही है, तो हम लोग जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए बना रही है ना, एकदम। यो फ्लेक्स, आई जस्ट वांट टू विन, यो एलआईबीबी हु वी रनिंग विद, यो गणपति बापा मौर्या। हेलो गाइस, तो हम जो है ना घर से निकल पड़े फाइनली, मतलब कि मैं यहाँ पे 26 या 27 को आया था, और 28, 29, 30, 1, 2 आज 3 तारीख को फाइनली निकल रहे हैं। एंड गाड़ी में जो ना गाइस 3 लोग जा रहे हैं, मामा का बेटा और लगने वाला मामा है ना नीरज, तो वो भी जा रहे हैं। फाइनली तो गाइस आज हम निकल चुके हैं मुस्तांग के टूर के लिए, तो आपके पीछे हमने आपके डिवाइस को अभी फॉलो किया, हमको फॉलो कर रहे हैं, हम आगे के चल, हम कार पे हैं और वो अपने बाइक पे भी है पीछे पीछे। वो गाइस हम अभी हमारे आज का रेस्टोरेंट हमारा बस कुसमा तक है, कुसमा हम वहाँ पे आज स्टे करेंगे, उसके बाद कल सुबह हम फिर जुमसुम मुस्तांग के लिए कल निकलेंगे। तो सो गाइस बाय बाय, सो बिग बैग्स कमिंग अप कमिंग इन, यो फ्लेक्स आई जस्ट वांट टू विन। और देखिए रिफिलिंग का जो काम था ना वो हमने कर लिया है, टैंकी को कर दिया फुल, तो हमारा 22 लाख का गाड़ी जा रहा है आगे आगे और हम जो है उनको फॉलो कर रहे हैं पीछे पीछे से। एंड वीकेंड्स नेपाल पे जो है ना डर्ट बाइक जो है ना बहुत ही ज़्यादा चलता है मैन, मैं मतलब लिटरली घर से लेके अभी तक कम से कम हम लोग ने 10-12 किलोमीटर जितना चलाया होगा, और इतने में मैंने कम से कम 20 से 30 डर्ट बाइक, वो भी क्रॉस फायर वगैरह जो होता है ना वो सब मैंने देख लिया है। और लिटरली गाइस क्रॉस फायर का जो प्राइस है ना नेपाल पे अराउंड 8 लाख 9 लाख, इतना एक्सपेंसिव है मैन। एंड मेरा बाइक का जो प्राइस था ना गाइस वो मैंने लास्ट ब्लॉग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था, जो कि 4 लाख का था, इसका प्राइस जो है ना नेपाल पे 6 लाख रुपए है, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो आज हम लोग और एक जगह कवर करने वाले हैं, विच इज दी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज, तो वहाँ पे जाके जो है अपना बीस्ट को चलाएंगे मैन, सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। आज तक मैंने कभी ऐसा हैंगिंग ब्रिज पे बाइक चलाया नहीं है। ठीक है चलो मैन, यहाँ पे अभी हम लोग करने वाले बाइक को एक्सचेंज। अभी यहाँ से पूरा रोड ऐसा ही है, अच्छा इधर से कितना किलोमीटर है कुसमा? 45, 50, 60, मतलब कि हम लोग का मामा का घर से ना गाइस तो पोखरा जो है ओनली 60 किलोमीटर है। एंड यहाँ पे रोड मस्त है मैन, पूरा फोर लेन रोड बना हुआ है, इंडिया का याद आ गया मुझे। चलो अब यहाँ से मामा जी बाइक चलाएंगे और हम गाड़ी लगा के थोड़ा आगे तक जाएंगे। अभी हम गाड़ी चला चला के गाड़ी का फील ले रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मामा का सिनेमैटिक शॉट लेंगे बाइक पे। चलो और गाइस यहाँ का जो रोड है ना गाइस क्या ही टर्निंग है, मैंने ऐसा ऐसा कॉर्नरिंग है लिटरली, आगे दिखा पीछे आगे दिखा, देखो मैंने कैसा कैसा टर्निंग है। तो मैंने आज तक ना गाइस कार जो है ना शिलोंग के ऐसे रोड पे चलाया नहीं है, तो यहाँ पे चलाने का मौका मिल रहा है, एक्सपीरियंस गुड, ड्राइवर मजा आ रहा है।
व्यू चेक करो भाई, अच्छा करो तो नीरज मैं गाइस। ओ टूटा टूटा एक परिंदा से टूटा, आगे दिखाओ ना बेसुरा आपका जी भाई। सॉरी ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अभी जो है ना मैं गाड़ी चला चला के रुक चुका हूँ यहाँ पे, एंड ऑल्सो मामा जी भी यहाँ पे रुक चुके हैं बाइक लेके। तो हम लोग जो ना अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, नोडाड़ा बोल के प्लेस है, और मैं यहाँ से व्यू देखो मैन, क्या ही व्यू है मैन, क्या ही व्यू है, जन्नत। 20 आ चुके हैं और 40 किलोमीटर बचा हुआ है, एंड देन जाना है कुसमा। और कुसमा जाने से पहले गाइस यहाँ पे अपना डी ब्लॉक्स का स्टिकर है, मेरा भाई को मैंने ये काम सौंपा है कि कहीं भी हम लोग रुकेंगे तो जगह जगह में तेरा काम है कि इसको चिपकाना, चल पेस्ट कर। हेलो डी ब्लॉक्स, तो यहाँ पे हमने अपना थप्पा लगा दिया। अगर कोई वैकेंसी देख रहे तो इंस्टाग्राम में टैग करना इनके। चलो मैं यहाँ से निकलते हैं। तो मामा जी अभी गाड़ी चलाएंगे और हम जो अपना बाइक चलाएंगे, और नीरज जो है मेरे साथ बैठना चाहता है बाइक पे, बैठ जाए भाई। चलो हो गया, लेट्स गो, रेडी टू रोल बेबी। Flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, okay, alright. ये जो रूट है ना गाइस पोखरा टू कुसमा, मैं ना 2008 या 9 पे आया था, तब गया था, और उस वक्त ना ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं बना था मैन, पूरा लिटरली पूरा ऑफ रोडिंग था। अभी एटलीस्ट रास्ता जब हुआ ना पीच हुआ है, तो उसका कारण जो है थोड़ा बहुत स्पीड अप और आराम से चल पा रहे हैं, नहीं तो भाई जब आते वक्त मेरा जैसा फटा था ना गंदा वाला, जगह जगह पे जब ऑफ रोडिंग मिला था वैसा टाइप का ऑफ रोडिंग यहाँ पे पहले ऐसा था। सो गाइस अभी हम कांडे पर आ पहुंचे हैं, और आपके डी भाई जो है आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे कार से उनको ब्लॉगिंग कर रहे हैं छिप छिप के, उनको पता भी नहीं है। सो गाइस तो ये कुछ सरप्राइज होगा उनके लिए, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, ठीक है। लुक एट द रोड मैन, क्या ही मक्खन रोड है यार। आई गेस हम लोग अभी ये रोड हो गए ना गाइस, वो नीचे वाला रोड पे जाएंगे। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मामा जी रुक गए, आई गेस यहाँ पे रुकना है। ओ हो, व्यू देखो मैन। ओके क्यों, ये कफल है ना, तुम्हारा नाम क्या है बाबू? विराट था भाई, क्यों यू क्यों? ओके गाइस, तो यहाँ पे ये जो है ना कुछ औसली बोल के इसका नाम है, और मतलब कि एक आता ना कफल बोल के, वो या तो रेड या तो ब्लैक में होता है, तो वो ब्लैक में ज्यादा टेस्टी होता है, और रेड कलर का जब होता है तो थोड़ा खट्टा होता है, और ये वैसे टाइप का ही है पर ये येलो कलर है। तो और कह रहे हैं कि मतलब ये हमारे सस्ते वाले मामा जी का कहना है कि ये मतलब कफल से ज्यादा टेस्टी होता है, तो हम लोग वही खा रहे हैं। ये वाला चीज है ना बॉडी टेस्टी है मैम। अरे लीम थोड़ा ये तो टेस्टी है मैन। और देखो भाई ये छोटा सा बच्चा इतना टैलेंटेड है, हाथ मिलाओ। गुड गुड, चलो इतना नॉलेज है इस छोटे से भाई को कि मतलब हैंडशेक जो है राइट हैंड से मिलाना चाहिए, एंड मतलब कि ये छोटा सा बच्चा इतना टैलेंटेड है गाइस, गच्ची से लिटरली वो खुद जाके टोर के लेके आके ऐसे करके पत्ते में रखा है, और यहाँ पे रास्ता पे रुक रहा है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी आएंगे ना तो ये तो भी बोल रहा पता बार्गेनिंग में नहीं मान, 100 रुपीज में मतलब ये बेच रहे हैं, और ये इतना कड़क बिजनेस मैन है कि गाइस हम लोग इसको कह रहे हैं कि 50 रुपए में दे दे भाई टेस्ट करेंगे, तो लिटरली नहीं दे रहा है। हम लोग पूछा कि 50 का कितना देगा, तो वो बोल रहा है कि 5 पीस, और लिटरली गाइस पूरा काउंट करके दे रहा है, 5 पीस निकाल के दे रहा है वो। तो हम लोग ने इसको कन्विंस कर करके 10 रुपए देके 20-30 पीस लेके हम लोग ने खा के टेस्ट कर लिया मैंने, तो अब यहाँ से निकलते चलो। हाई फाई यो यो फ्लेक्स, आई जस्ट वांट टू विन, या एलए बीबी हु वी रनिंग विद, या 2-2-3-3 आई एम ऑन 10 अगेन, ओके ऑलराइट कमिंग इन। ओ भाई साहब मैन ऐसे पहाड़ पे आ चुके हैं, देखो मैन कितना ऊंचा पहाड़ है। ओ भाई मैन लिटरली पहाड़ देखो मैन, वहाँ पे पहाड़ देखो यार भाई, गजब है मैन, ये तो शिमला वाला फील आ रहा है मैन। आई नो मैं कभी शिमला गया नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं होगा, पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस और ब्लॉग्स देखे मतलब दूसरे चैनल्स का, तो देखो मैन ऐसा रूट तो मैंने कभी देखा नहीं था यार। लिटरली देखो मैंने एक पत्थर अगर नीचे गिर के आई है ना तो भाई ये गंदा वाला सीन हो जाएगा मैन। भाई साहब पोखरा से लेके कुसमा आने में इतना फील आ गया गाइस, मुस्तांग का रोड कैसा होगा मैन? वैसे तो मैंने दूसरे ब्लॉगर्स का देखा है, जुमसुंग मुस्तांग का, भाई क्या ही रिक्सियस रोड, एंड क्या ही मतलब ऑफ रोडिंग है ना भाई, कल के लिए तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ मैन। और यहाँ पे मस्त नेपाली वेडिंग हो रहा है गाइस, तो इसलिए इन लोग डांस कर रहे हैं भाई। एंड मैं ना गाइस आज तक नेपाली होके एक नेपाली पूरा जो प्रॉपर वेडिंग होता है ना, तो वो वेडिंग मैं आज तक कभी अटेंड किया नहीं हूँ मेरे लाइफ में, मतलब वो भी चीज़ करना है मैंने एक बार, तो पूरा नेपाली वेडिंग जो है ना पूरा अटेंड करना है, वो फुल ऑन मतलब फुल अपनापन वाला।
running with. So guys, तो हम लोग जो है ना गाइस कुसमा पहुंच चुके हैं और मतलब कि किशु और जो हमारे सस्ते मामा जी है उन लोगों को घर पे ड्रॉप कर दिया है एंड गाड़ी जो है ना यहाँ पे हम लोग ने पार्क कर दिया है। अभी हम लोग बाइक लेंगे तो मामा और अपुन आपका डी भाई हम लोग जाएंगे वर्ल्ड के सबसे सेकंड हैंगिंग ब्रिज में जनता तो वर्ल्ड का सबसे सेकंड हैंगिंग हाईएस्ट ब्रिज में जाएंगे और अपना बीस्ट को चलाएंगे मैन। चलो चले लेट्स गो मैन। अभी जो है ना गाइस इंडिया का बज चुका है 4:15 और नेपाल का जो है 4:30 बज चुका है तो जल्द से जल्द अंधेरा होगा कहकर इसलिए हम लोग जस्ट गाड़ी रखा वहाँ पे और डायरेक्ट बाइक लेके निकल आए। तो वहाँ पे जाएंगे और लाइफ में फर्स्ट टाइम मैन हैंगिंग ब्रिज पे बाइक चलाएंगे। यहाँ पे पहाड़ देखो मैन, अगर यहाँ पे एक मिस खेल फिनिश राइट बिकॉज वी आर अ राइट पर्सन। Oh man. Yeah. Flex. I just wanna win. Yeah. LABB who we running with. So guys, अभी जो है ना अपना बीस्ट को हम इस रूट से लेके मतलब पहाड़ के उस पहाड़ जाने वाले हैं एंड मामा ऑलरेडी बीच पे जा चुके हैं मतलब ये रास्ता क्लियर करने के लिए। तो गाइज मैं डर भी रहा हूँ एंड द सेम टाइम एक्साइटेड भी हूँ। ओके गाइज टिक टुक। ओ भाई ओ मैन ओ भाई माँ कसम ओ मैन लिटरली गाइस नीचे देख ही नहीं सकता मैं। नीचे देख लिया ना खत्ता में मैन, नीचे खत्ता में यार मैं ब्रेक पाने के लिए डर रहा हूँ मैन, फट रहा है मेरा माँ कसम। ओ भाई राम 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 लिटरली गाइस नीचे देखो मैन, नीचे मैं देख नहीं पा रहा हूँ और आपको देखो बोल रहा हूँ। ओ भाई देखो मैन मैं अभी एकदम मिडिल पे हूँ, नीचे देखो मैन कितना डीप है। एक मिस खेल फिनिश और लिटरली यहाँ पे सब लोग फोटो खींच रहे हैं और यहाँ पे रिदम नहीं बिगड़ना डी भाई, रिदम नहीं बिगड़ना राम 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 खैसो हजूर हाय ना ला अरे ला छिटो गर्नु छिटो छाड इल्यो। ओ भाइ ओके वेलकम ओके बाय बाय चलो चलो ला लिटरली गाइस जब आप रुकते हैं ना कुछ ज्यादा ही मूवमेंट होता है, ब्रिज बहुत ही शेकी होता है और वहाँ पे कुछ आंटी लोगों ने मेरे को रोक लिया। दे वाज लाइक मेकिंग टिकटॉक एंड उन लोग कह रहे थे कि ये आप तो भाई फेमस होने वाले हैं। ओ भाई माँ कसम आई कैन नॉट बिलीव मैन मैंने इस रूट पे बाइक चला लिया। वो भी गैप मार रहा है, थोड़ा साइड दे दो दीदी लोग और ये मेरा आगे वाला एंगल काम नहीं कर रहा पता नहीं क्यों मैन। ओ भाई ओ दैट वाज क्रेजी मैन। ये बहुत ही क्रेजी सीन था, अलग लेवल का एक्सपीरियंस था मैन। और जब बीच में था ना गाइस तो बीच में होते वक्त क्या हुआ कि गाइस पूरा वो जो ब्रिज था ना पूरा लिटरली ऐसा ऐसा शेक हो रहा था मैन और वहाँ पे कुछ आंटियों ने मुझे रोक लिया, कह रहे थे कि मुझे टिकटॉक बनाना है। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे ना ये ब्रिज छोड़ के उस साइड पे कहीं जो है वहाँ पे बंगी जंप भी होता है तो बंगी जंप तो हम लोग नहीं करेंगे पर देख के आएंगे क्योंकि उसके लिए अभी एक दिन पहले आपको बोलना पड़ेगा, कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करेंगे कि अगर ऊपर से आप नीचे गिर गए और नीचे जाके पानी पे अगर चपटा हो गए तो हम लोग का रिस्क नहीं है, है ना। तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन है। एंड ये जो ब्रिज है ना गाइस मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट हैंगिंग ब्रिज है पर ये पहले फर्स्ट था, अभी जो है ये सेकंड हो चुका है एंड फर्स्ट जो है बागलुंग पे बना है पर वहाँ पे जो ऐसा बाइक चलाना अलाउ नहीं है तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जाएंगे नहीं। एंड ऑल्सो कल पूरा एक्साइटेड है मामा जी, एक्साइटेड फॉर द राइड, फुल कल पूरा जमसंग मुस्तंग का राइड होने वाला है एंड साथ में मामा जी भी होने वाले हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, समझ रहे हो मजेदार होगा। जब मामा बन जाए एक साथ तो हर चीज मजेदार ही होता है। ओके गाइस एंड ऑल्सो ना गाइस काफी लोग मुझे कुछ वीडियो से मतलब पूछ रहे कि भाई मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूँ, क्या कैमरा यूज करता है। मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले जब कैमरा लिया था निकॉन Z50 तब ऑलरेडी बोल ही दिया कि मैंने निकॉन Z50 यूज करता हूँ तो उसके बाद मतलब काफी लोग पूछ रहे हैं। इसका मेन रीजन क्या है कि गाइस इसका जो ये वाला स्क्रीन है फ्लिपेबल स्क्रीन तो मतलब कि ये बेस्ट पार्ट रहता है मैन, कभी भी ऐसा चेहरा देखो और बिंदास व्लॉग करो तो माइक वाइक ऊपर में लगा दिया है एंड मतलब कि अभी के टाइम पे ना ये कैमरा व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ऐसा निकॉन कैमरा ले सकते हो एंड बिंदास व्लॉगिंग कर सकते हो मैन। तो वही कुछ सीन है मैन, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे ना तो सोचा मैं बता देता हूँ ना। तो अभी चलो अभी बाइक लेंगे यहाँ से उस पर जाएंगे
एंड वहाँ पे जाकर रुक के थोड़ा फोटो वोटो लेंगे ब्रिज का एंड मामा जी पीछे बैठेंगे और सेल्फी स्टिक वाला शॉट लेंगे, समझ रहे हो? चलो मैन बैठिए, चले लेट्स गो। डबलिंग मुझसे तो नीचे दिखना नहीं हो रहा है, आप लोग नीचे देखो मैन। तरे स्लोली जाएंगे। लिटरली गाइस आई कैन नॉट बिलीव आपका डी भाई जो है वर्ल्ड का सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट हैंगिंग ब्रिज पे बाइक चला रहा है मैन। धीरे धीरे जाएंगे। डोंट वरी भाई। ओ भाई रुकते क्या हिल रहा है मैन, ब्रिज रुके बंदा क्या हिल रहा है। तो गाइस मेरा मोटर ब्लॉगिंग वाला जो गोप्रो है ना उसका बैटरी हो चुका है डेड, तो इसलिए अभी मैं गोप्रो 8 से ब्लॉग कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मामा जी बाइक चलाएंगे एंड हम पीछे बैठेंगे। तो गाइस सो वो ब्रिज से ना अभी हम लोग आ गए यहाँ पे बंगी जंप देखने के लिए। तो यहाँ पे बंगी जंप होता है, यहाँ पे जिप लाइनिंग होता है एंड ऑल्सो यहाँ पे गाइस ग्लास ब्रिज भी है जहाँ की मतलब नीचे ट्रांसपेरेंट है एंड लिटरली नीचे पूरा खाई है, वो भी खाई कैसा टाइप का खाई देखो मैन, ऐसा टाइप का खाई है। अगर कुसमा में आओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज है करने के लिए, कर सकते हो आप लोग। इन लोगों का हिम्मत को दाग देना पड़ेगा गाइस, मेरे में तो इतना गट्स नहीं है कि भाई सब कुछ झूला करो या बंगी जंप करो या जिप लाइनिंग करो, ये सब का कुछ इतना वो नहीं है, उसके लिए बहुत ही जिगर चाहिए। जिगरा चाहिए। चलो और सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली, और एक्चुअली मतलब कल क्या हो गया, हम लोग बंगी जंप पे गए और वहाँ से निकल के सीधा घर पे आ गए एंड घर पे आके जो है ना तो यहाँ पे जितने लोग भी रहते हैं ना घर पे तो सब लोग मुझे पहचानते हैं ना, तो वही बात करते करते माहौल बनाते बनाते मतलब कि सब टाइम चला गया एंड ऑल्सो कल ब्लॉग एडिट करूंगा कहते कहते ब्लॉग भी एडिट नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो वही कुछ सीन है मैन। तो आज जो है ना गाइस फाइनली मतलब कि कुसमा से जो है ना हम लोग जुमसुम के लिए निकल रहे हैं मुस्तांग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड नेक्स्ट ब्लॉग से जो है ना गाइस तो मामा जी और मतलब मामा भंजा को साथ में देखेंगे आप लोग। तो मामा भंजा ये भी है अच्छा, तो शेष सुनीता दीदी एंड ये मामा का साड़ी है ना आपकी मामी की मामी, तो ये भी हमारी मतलब मामी हुई, तो वही कुछ है ना एंड वो जो क्या नाम है नीरज था ना गाइस, तो नीरज का बड़ा भैया है ये देखो, शकल भी पूरा सेम टू सेम है, ये भी हमारा डुप्लीकेट मामा है। तो आज के ब्लॉग बस इतने रखते गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा शेयर करने का एंड कमेंट करने का एंड गाइस ऐसा सस्पेंशन ब्रिज में ना मेरा अपना बाइक को चलाने का मन था, तो वह तो मैं पुलखारा में भी था वैसा ब्रिज तो वहाँ पे भी चला सकता था, पर यहाँ पे जो है ना वर्ल्ड का सबसे सेकंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज था ना तो मुझे यहीं पे चलाना था, इसलिए मतलब वो चीज़ मैं कर नहीं रहा था, तो इसलिए कल मैंने कहा कि भाई मामा को निकल के कुसमा में रहते हैं एक दिन स्टे करते हैं और वहाँ पे बाइक चलाते हैं, बहुत ही मजा आया एंड नेक्स्ट ब्लॉग में तैयार रहना, मामा भंजा का मोटर ब्लॉगिंग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो यार गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। थोड़ा जोर से यार, जोश नहीं इन लोगों का। बेबी बेबी चलो मैन बाय बाय। डबलिंग बिठा के रिवर क्रॉसिंग कर रहा हूँ हम लोग, इंसान दो जल्दी उठाओ मुझे उठाओ।